इसके आगे का दोहा रहीम जी कहते हैं, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नहीं, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही, जान परत है काक पीक ऋतु बसंत के माही। कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, लेकिन जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो पाती। लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। इस दोहे के माध्यम से रहीम जी समझाना चाहते हैं कि दोनों इंसान एक समान है, इसमें कोई शंका नहीं है। कब तक? जब तक वो दोनों चुप रहते हैं। समझ कब आता है? कि जब वो दोनों व्यक्ति बोल पाते हैं, और जब दोनों बोलते हैं तो एक के जबान से मीठी बोली निकलती है और दूसरे जबान से कड़वी बोली निकलती है, तब समझ आता है कि दोनों इंसानों के बीच का अंतर क्या है। जैसे वो कौवा और वो कोयल देखने में तो एक समान लगते हैं, लेकिन वसंत ऋतु आने पर जब कोयल की मीठी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती है तब हमारे समझ में आता है कि कोयल और कौवे में क्या अंतर होता है। आगे कहते हैं, समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रही पछितात। समय पाए फल होत है, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं एक सी का रही पछितात। अर्थात रहीम जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वह झड़ भी जाता है। सदा किसी की अवस्था एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं जाते हैं, उसके लिए पछताने की आवश्यकता नहीं। जैसे पेड़ पौधों को फल आते हैं जाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार ये हमारे जीवन में दुख आया है वो एक न एक दिन निकल ही जाने वाला है, इसलिए पछताने का हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी कोइए टूटे उठता हार। अर्थात यदि आपका प्रिय सौ बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। हमारा कोई व्यक्ति अगर प्रियजन है, हम जिस व्यक्ति को चाहते हैं उस व्यक्ति को हमने बार बार मना लेना चाहिए। अगर वह हमसे रूठा है तो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों का हार भी अगर एक बार टूट जाता है तो उसे भी हम सौ बार पिरोते हैं, उसे भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि उसका हमारे जीवन में उतना महत्व होता है। इसलिए कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई प्रिय मित्र अगर हमसे रूठ जाता है तो उसे मनाने में ही हमारी भलाई होती है, ऐसा रहीम जी यहाँ पर बताते हैं। निज कर क्रिया रहीम कहीं सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में दाव न अपने हाथ। अर्थात रहीम कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दाव क्या आएगा यह अपने हाथ में नहीं होता है। सभी संत कहते हैं कि कर्मों का फल भगवान देता है,
पर कर्म करना हमारे हाथ होता है। फल मिले न मिले, फल भगवान दे न दे, वह हमारे हाथ की बात नहीं है। जिस प्रकार से चौपड़ के खेल में जैसे हम पांसे फेंकते हैं, तो रविंद्र कहते हैं पांसे फेंकना तो हमारे हाथ में है, लेकिन दांव क्या गिरेगा ये वह पांसे ही जानते हैं, यह वह भाग्य ही जानता है, यह वह ईश्वर ही जानता है। इसलिए पांसे तो हम फेंकते हैं, वो दांव गिरना न गिरना भगवान पर छोड़ दे, हमारे भाग्य पर छोड़ दे, लेकिन उसी प्रकार हम कर्म करते रहे, उन कर्मों का फल क्या देना है, वो कर्म का फल क्या मिलेगा, भगवान वो कर्मों का फल हमें क्या देगा, इसके बारे में हमने सोचना छोड़ देना चाहिए। क्योंकि भगवान सही कर्मों का फल अच्छा ही देता है, ऐसा ही सभी संत कहते हैं जिन्हें भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। अगर हमारे कर्म गलत है, अगर हमारे जीवन के कार्य गलत है, अगर हम किसी का गलत सोचते हैं, अगर हम किसी का गलत करते हैं, अगर हम किसी के जीवन में बाधा डालते हैं, किसी के जीवन में समस्याएं लाते हैं, तो हमारे जीवन में भी अवश्य समस्याएं आती हैं, हमारे कर्मों का फल बुरा ही हमें मिलता है। ऐसा रहीम जी और सभी संत यहाँ पर कहना चाहते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए, अर्थात अपने अंदर के अहंकार को निकाल कर ऐसी बात करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरों को और खुद को खुशी हो। हम जब किसी के साथ बात करते हैं तो हमारे मन में कोई अहंकार रखकर हम बात न करें, क्योंकि हम अगर अपने मन में अहंकार रखकर बात करते हैं तो हम दूसरे के मन को खुशी नहीं दे पाते। रहीम जी का कहना है कि अगर आप दूसरे के मन को आनंद देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने मन के अहंकार को निकाल कर फेंकना चाहिए। जैसे किसी संत ने कहा है एक मैन में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी प्रकार एक मन में अहंकार और ईश्वर की भक्ति नहीं होती है। अगर आपको इंसानों को आनंद देना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है, तो उसके लिए आपको अपने मन के अहंकार को निकाल कर फेंकना पड़ेगा। और जब तक आप अपने मन के अहंकार का त्याग नहीं करते, तब तक आप दूसरे को आनंद नहीं दे सकते। ऐसा रहीम जी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। खीरा सीरते काटी के मलियत लौन लगाए, खीरा सीरते काटी के मलियत लौन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहिए यही सजाए, अर्थात खीरे का कड़ुआपन दूर करने के लिए, खीरे का कड़ुआपन दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीम कहते हैं कि कड़ुए मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को आदत कड़वा बोलने की पड़ जाए, तो जैसे खीरे अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई खीरा इतना मीठा होता है कि उसे किसी नमक की आवश्यकता नहीं होती है, खाते ही हमारे मुंह को एक स्वाद दे देता है, लेकिन कोई खीरे कड़वे होते हैं, तो उन कड़वे खीरों को मीठा बनाने के लिए उनके ऊपर के परत को पूरी तरह से छील कर निकालना पड़ता है और उसके ऊपर नमक को घिसड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर उसका कड़वापन दूर होकर मिठास आती है। तो कड़वे बोलने वाले व्यक्ति के लिए भी यही सजा होनी चाहिए
ऐसा रहन जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं।